एक बड़ा सवाल राजेंद्र गुप्ता जी आपसे भी लूंगा, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी हमारी तरह कोरोना वॉरियर्स बनकर रिपोर्टिंग की है, खबरों को समझा है, किस तरह से हमने दोनों कोरोना के संक्रमण काल देखे। अब जब दो संक्रमण काल निकल चुके हैं, दूसरी फेज निकल चुकी है, तीसरी लहर को लेकर जो डर था वो जनता में अभी हल्का सा कम है, लोग खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं, शादियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब अचानक से ओमिक्रॉन का डर, कैसे जनता के बीच में हम पुल स्थापित कर सकेंगे, कैसे जनता को जागरूक कर सकेंगे कि अभी तीसरी फेज का डर अभी कायम रखना होगा, हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें कैसे बताएंगे जनता? उसको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना को लेकर समय पर ये चर्चा रखी है और निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता के कारण ही बच सकते हैं लोग। आप ये देखिए, पिछली बार भी जो हुआ था वो लोगों में जागरूकता की कमी के कारण हुआ था और लोगों को जो अपने वैक्सीनेशन का जो असुविधा हुई थी, सेकंड डोज को लेकर जो स्लॉट बुक करना पड़े थे, बाद में जब सरकार ने सुविधाएं दी, आसानी से सेकंड डोज लगा तो लोग गए और 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया। अब लोगों में जब तक जागरूकता नहीं होगी, आप ये देखिए, हम जो देख रहे हैं, आपका सवाल जो था कि स्कूल कॉलेज के बाहर बच्चे चाय के ठेले पर, पान की दुकान पर या ऐसी जगह पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, निश्चित रूप से लोगों को शासन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी होते हैं या सख्ती होती है या जो चालान बनाए जाते हैं उसका इंतजार करने की बजाय लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और इन चीजों की जब तक वो लोग खुद सावधानी नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से अभी पिछले 30 दिन में भारत में 2400 छात्र कोरोना से संक्रमित हुए, इंडिया के ये आंकड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप देखिए जहां हम देखते हैं बाजार में निकलते हैं तो मॉल्स में या ऐसे जहां चाट की बाजार है वहां लोग भीड़ लगा रहे हैं, जान है तो जहान है, लोगों को इन चीजों से बचना होगा, मास्क का यूज कम कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही ये इसको कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाती है। तो निश्चित रूप से जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि वो इस बात का इंतजार करे कि प्रशासन उन पर सख्ती करे और वो अपने फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करे।